नमस्कार। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ एक ऐसा स्थान जहाँ प्रभु श्री राम ने बिताए अपने जीवन के 11 वर्ष। इस स्थान को हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं। श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक पर्यटन से परिपूर्ण यह स्थान हम सभी के मन को मोहित व आकर्षित कर सकता है। हिंदुओं के सबसे पवित्र व प्राचीन धामों में से माना जाने वाला स्थान है चित्रकूट, जहां पहुंचने पर हम प्रभु श्री राम के इस भक्ति सागर में समाहित से होते जाते हैं। चित्रकूट की पग पग भूमि भगवान श्री राम के ओज से परिपूर्ण मानी जाती है तथा इस स्थान पर हमको प्रभु श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह आज भी विद्यमान है, जिन्हें हम यहाँ पर देख पाते हैं। साथ ही साथ हमें ऐसे स्थान भी दिखाई देते हैं जो हमें न केवल आश्चर्यचकित अपितु अचंभित भी कर सकते हैं, जिसमें हनुमान धारा व गुप्त गोदावरी का नाम लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा भगवान श्री राम की इस पावन भूमि चित्रकूट के लिए। चित्रकूट पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, जो जिसकी दूरी चित्रकूट से लगभग 8 किलोमीटर होती है। इसके अतिरिक्त हम मध्य प्रदेश के सतना जिले से भी आसानी से बस के द्वारा लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चित्रकूट के बस स्टैंड पर पहुंच सकते हैं। चित्रकूट के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से हमें सबसे पहले रामघाट पहुंचना होता है। चित्रकूट का हृदय स्थल या केंद्रीय स्थल के रूप में जाने जाने वाला स्थान है रामघाट। रामघाट से ही हमारी चित्रकूट की संपूर्ण यात्रा का ब्यौरा तैयार होता है तथा इसी स्थान पर हमको ठहरने तथा भोजन इत्यादि की उत्तम सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं। रामघाट पर हमको ठहरने के लिए होटल 500 से 1000 रुपए में तो भोजन 60 से 100 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं व आश्रम भी उपलब्ध हो जाती हैं। रामघाट पर पहुंचने के पश्चात आप अपने होटल वगैरह की बुकिंग कर आसानी से यहाँ से रामघाट दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामघाट पर संध्या के समय दिखाई देने वाला मंदाकिनी नदी का यह दृश्य आपके नेत्रों को सुकून व शांति से प्रतीत होता है। संध्या के समय इस स्थान पर सुसज्जित नौकाओं से आप चाहें तो नौका विहार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर धार्मिक व पौराणिक महत्व के कई अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर पाते हैं। संध्या के समय इस स्थान पर होने वाली पवित्र मंदाकिनी नदी की आरती भी हम यहां पर देख सकते हैं, जो कि बहुत अधिक आकर्षित व मोहित करने वाली होती है। रामघाट के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से अपनी संपूर्ण चित्रकूट यात्रा के लिए ऑटो 600 से 800 रुपये में बुक कर सकते हैं। रामघाट के दर्शन करने के पश्चात हमारा सबसे पहला पड़ाव हनुमान धारा होता है, जो कि रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनुमान धारा तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर या रोपवे की सहायता से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। हनुमान जी महाराज की लंका जलाने की दाय पूजा जो शांत नहीं हो रही थी, तो प्रभु श्री राम से शांति मांगा। प्रभु श्री राम ने बाण मार के धारा को प्रवाहित किया और यहाँ पर हनुमान जी दिया। तब से धारा निरंतर ऐसी चल रही है, धारा घटेगी, इन्हें धारा बढ़ेगी। न इसका आने का पता है, न नीचे जाने का पता है, धारा कहाँ से जाती है, धारा कहाँ से जाती है, कहते हैं हनुमान धारा। हनुमान धारा बोलो, हनुमान धारा की जय। हनुमान धारा के इस प्राचीन पर्वत शिखर पर हम पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान धारा मंदिर तथा प्राचीन सीता रसोई भी देख पाते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के कंधे पर गिरने वाली यह रहस्यमय जल धारा कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ लुप्त होती है, ऐसा किसी को ज्ञात नहीं होता है। कहते हैं हनुमान धारा का जल ग्रहण करने से हमें दैहिक ताप व कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान धारा के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम पर्वत के शिखर पर पहुंचकर प्राचीन सीता रसोई के दर्शन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर कंदमूल पकाकर चित्रकूट के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। हनुमान धारा के दर्शन करने के पश्चात हम यहां से वापस आकर अपने द्वितीय पड़ाव जानकी कुंड के लिए प्रस्थान करते हैं। जानकी कुंडी वह स्थान है जहां माता सीता या माता जानकी स्नान किया करती थी तथा इस स्थान पर आज भी माता सीता के चरण चिन्ह विद्यमान है। जानकी कुंड के इस प्राचीन स्थान पर हम माता सीता के इन चरण चिन्हों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी स्थान पर हम पास ही स्थित रघुवीर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं।
माता सीता को जानकी मैया के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इस स्थान को जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। जानकी कुंड के दर्शन करने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव स्फटिक शिला होता है। स्फटिक शिला वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी या सीता मैया के साथ शिला पर बैठकर चित्रकूट की अद्भुत सुंदरता को निहारा करा करते थे। राम स्वयं माता जानकी का श्रृंगार किया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया, ये भगवान कैसे हैं जो औरत का श्रृंगार कर रहे हैं। तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हसी भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान गए कि बदमाशी करने आया है। तो भगवान राम एक तिनके का बाण मारा, तिनका कौवा तीनों लोक में गया, लेकिन कोई बचाया नहीं, क्योंकि राम के दुश्मन को कौन बचाया। तब नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब दोबारा आया, माफी मांगा, तो भगवान एक आंख फोड़ देते हैं। भगवान आज भी कौवा एक आंख के होते हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं मेरे पहले से, ये कौवा की आंख है। अच्छा, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। बाबू, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी, ये माता जानकी का पैर है, ऐसा लोग मेरे पहले से बता रहे हैं। एक मिनट, पीछे लखन फिला, ऊपर मंदिर, लेकिन अब आप एक निगाह ध्यान से देखें। कैसे लग रहा है? अच्छा, बढ़िया। इस स्थान पर बेर के इन लड्डुओं का स्वाद लेने के पश्चात हम यहाँ से अपने अगले पड़ाव गुप्त गोदावरी के लिए प्रस्थान करते हैं। गुप्त गोदावरी की दूरी रामघाट से लगभग 19 किलोमीटर है, तथा इस स्थान पर हम प्राचीन दो गुफाओं के दर्शन करते हैं। इन गुफाओं के दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले 20 रुपये का टिकट लेना होता है। टिकट लेने के पश्चात हम सर्वप्रथम पहली गुफा में प्रवेश करते हैं। पहली गुफा में प्रवेश करने के लिए हमें सर्वप्रथम दो विशालकाय चट्टानों से होकर एक सकरे से मार्ग से भीतर प्रवेश करना होता है। भीतर प्रवेश करने पर हमको विशालकाय और सुंदर सी गुफा दिखाई देती है। कहते हैं इस गुफा का निर्माण देवताओं ने प्रभु श्री राम के आने से पूर्व ही करा दिया था। प्राचीन ग्रंथों व मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने इसी गुफा में कई वर्षों तक वास किया था। इसी स्थान पर प्रभु श्री राम का दरबार लगा करता था। गुफा के भीतर हम सुइया माता, सीता कुंड, धनुष कुंड इत्यादि भी देख पाते हैं। कहते हैं इसी स्थान पर गोदावरी मैया गुप्त रूप से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए प्रकट हुई थी, तथा यहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। इसी गुफा के भीतर हम खटखटा चोर रूपी राक्षस को पत्थर के स्वरूप में लटका हुआ भी देख पाते हैं, जो कि कहते हैं कि आज भी भगवान के बाल स्वरूप बाण से आज भी लटका हुआ है। गुप्त गोदावरी की इस प्रथम गुफा में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से दूसरी गुफा, जिसे हम पानी वाली गुफा के रूप में जानते हैं, उसके लिए प्रस्थान करते हैं। पानी वाली यह दूसरी गुफा हमको बहुत ही आश्चर्यचकित व अचंभित कर देने वाली दिखाई देगी। गुप्त गोदावरी तथा चित्रकूट के इन प्रमुख स्थानों को आप आई बटन पर जाकर विस्तृत रूप से देख पाएंगे। गुप्त गोदावरी की इस रहस्यमयी गुफा के दर्शन करने के पश्चात हम वहां से वापस आकर अपने अगले पड़ाव माता अनुसुईया आश्रम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। चित्रकूट में बहने वाली पवित्र मंदाकिनी नदी का उद्गम भी माता अनुसुईया आश्रम से ही माना जाता है। इस स्थान पर हमें एक विशालकाय प्रांगण रूपी मंदिर दिखाई देता है, जिसके भीतर प्रवेश करने पर हम रामायण से जुड़ी हुई अन्य झांकियों को विस्तृत रूप से देख पाते हैं। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक बालक रूपी बना दिया था। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, बहुत अधिक आकर्षक व मनमोहक सा दिखाई देता है। माता सती अनुसुईया आश्रम के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस जाते समय लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी कर पाते हैं।
सती अनुसुईया आश्रम के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस रामघाट जाते समय रास्ते में पड़ने वाले राम दर्शन म्यूजियम के भी दर्शन कर पाएंगे। राम दर्शन म्यूजियम में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस रामघाट अपने होटल आकर रात्रि विश्राम करते हैं व अगले दिन प्रातःकालीन उठकर कामतगिरी पर्वत तथा भरतकूप की यात्रा करने के लिए जाएंगे। सुबह सुबह या भोर के समय उठकर हम सबसे पहले कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। कहते हैं कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाने से हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा इस पर्वत को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। कामतगिरी पर्वत के चार मुखारविंद या चार प्रमुख द्वार माने गए हैं। कामतगिरी पर्वत की यह परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की होती है। इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा में हमको धार्मिक महत्व कई अन्य मंदिर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस परिक्रमा के दौरान हम लक्ष्मण पहाड़ी के भी दर्शन कर पाते हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान हम राम व भरत जी के मिलाप का वह स्थान भी देख पाएंगे जहां से भरत जी राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस गए थे तथा इसी स्थान पर राम जी का अन्य सभी भ्राताओं से मिलन हुआ था। परिक्रमा पथ के दौरान हम लक्ष्मण पहाड़ी पर भी जा सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी पर हमको लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह भी दिखाई देंगे तथा मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी पर खड़े होकर प्रभु श्री राम व माता जानकी की सुरक्षा में पहरा दिया करते थे। इस स्थान पर हमको लक्ष्मण जी के इस प्राचीन मंदिर के भी दर्शन होते हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी दिखाई देता है। कामतगिरी पर्वत की यह परिक्रमा दो राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। कामतगिरी पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा करने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरतकूप नामक स्थान होता है जहां पर कहते हैं भरत जी ने सभी तीर्थों का जल लाकर एक कुएं में डाला था। चित्रकूट धाम की यह संपूर्ण यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।